नमस्कार, आप देख रहे हैं अरुणाचल वेस्ट न्यूज़। दोस्तों, आज अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ टीम आए हैं यहाँ एसपी ऑफिस आलो में। हमने खबर मिला है 1 तारीख को, 1 अप्रैल 2022 को यहाँ आलो पुलिस ने मिलके ड्रग्स पेडलर्स को अरेस्ट किया है। तो इस विषय में हम जानने के लिए सीधा आए हैं यहाँ एसपी सर से मिलने। आप न्यूज़ में बने रहिएगा और देखते रहिए अरुणाचल वेस्ट न्यूज़। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले मोपिन आगम्ब, आपको भी हैप्पी मोपिन। हैप्पी मोपिन। तो सर, जैसे कि हमने खबर मिला है आपका पुलिस आलो पुलिस टीम ने ड्रग्स पेडलर्स को 1 तारीख को अरेस्ट किया है। सर, इस विषय में आपसे मैं विस्तार से जानना चाहूँगा। जी देखिए, हम लोगों को काफ़ी समय से कुछ सूचना थी कि कुछ लोग ड्रग्स लेके आने वाले हैं। 1 अप्रैल को सूचना मिली कि वो लोग लेके आए हैं, तो उसमें हमारे दोपहर को 2 बजे पुलिस टीम को ये सूचना मिली थी और उसमें हमारे OC इंस्पेक्टर योमकेन रीरम के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। उसमें इंस्पेक्टर योमकेन रीरम, ASIM दोजी, कांस्टेबल W फुक्सा, कांस्टेबल O ताली, हमारे एडिशनल SP तुटन जाम्बा के सुपरविजन में इस टीम ने बोगडो एरिया में रेड किया था। वहाँ पे ये 3 लोग हम लोगों को मिले। उन 3 लोगों के नाम हैं इमो बसार, सन ऑफ लेट मारी बसार ऑफ निगम विलेज डिस्ट्रिक्ट लेपारादा, नंबर 2 न्यापे बागड़ा, सन ऑफ श्री गामनिया बागड़ा ऑफ ताकू बागड़ा, एंड नंबर 3 श्री मिस्टर राजू दौरजी, सन ऑफ लेट ओम बहादुर दौरजी ऑफ तेलम PS जोनाई डिस्ट्रिक्ट धेमाजी, जो यहीं रहते हैं। तो इन लोगों को हम लोगों ने वहाँ पे रूम में देखा और इनकी गतिविधि संदिग्ध थी। वहाँ पे इनके पास सिरिंज मिली, खाली केसेस मिले, तो हम लोगों ने इनसे पूछताछ किया। तो इन लोगों ने पहले तो डिनाई किया था, बट फिर और सख्ती से पूछताछ करने पे इन्होंने स्वीकार किया कि इनके पास ड्रग्स है। और उसके बाद ये लोग हमें लेके गए कि जहाँ इन्होंने ड्रग्स छुपाया है, तो एक मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल के अंदर इन्होंने ड्रग्स छुपा रखा था। मोटरसाइकिल की राइडर सीट है, हैंडल बार है, इसके अलावा मोटरसाइकिल के जो हेडलाइट है उसके अंदर इन्होंने ड्रग्स को छुपा रखा था। वहाँ से हम लोगों ने जो ड्रग्स निकाला, तो हम लोगों को अराउंड 8.19 ग्राम्स ऑफ सस्पेक्टेड हेरोइन जो है वो बरामद हुआ इन तीनों जगह से। और उसके बाद उसको एज़ पर प्रोसीजर्स ऑफ NDPS एक्ट इन ड्रग्स को हम लोगों ने सीज़ किया और इन तीनों को हमने अरेस्ट भी किया है। उसके बाद इन लोगों से इंटरोगेशन अभी भी चल रही है। इसके हमने नेक्स्ट डे इनको जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब के सामने प्रोड्यूस किया था और हमको 5 दिन की पुलिस कस्टडी भी मिली हुई है। इनसे पूछताछ जारी है कि कहाँ से ये लेके आए हैं, कौन इनका सोर्स है और यहाँ पर और कौन कौन है इस नेटवर्क के अंदर इन्वॉल्व। तो अभी तक जो पूछताछ के सामने आया है उसके अंदर हम लोग 1-2 जगह और भी अभी रेड करेंगे, वो प्लान है। वो जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद में मैं आपको सूचना दे दूंगा। और लगभग 40,000 रुपये के करीब इन्होंने खर्च किया था इस ड्रग्स को इन्होंने ख़रीदने में और ये लेके आए थे। और अभी ये तीनों अरेस्टेड हैं और इसके अंदर हम लोगों ने आलो PS में 15/22 अंडर सेक्शन 27A, 21AB एंड 25 NDPS एक्ट, इन सेक्शंस के अंदर केस रजिस्टर किया हुआ है और बाकी खोजबीन भी जारी है। सर, ऐसे हमने ऐसे सुना है कि ये पेडलर्स जो है ये सामान को लेके, जो सस्पेक्टेड हीरोइन, इसे लेके कहीं दूसरा डिस्ट्रिक्ट जाने वाला था, ऐसे कुछ खबर है क्या? नहीं, अभी हम लोग कुछ भी कह नहीं सकते। अभी एज आई टोल्ड यू कि इंटरोगेशन अभी भी चल रहा है और अभी जहाँ से लाया है वो तो हमने पिन पॉइंट कर लिया है कि कहाँ से लेके आए हैं, यहाँ पे क्या उनका नेटवर्क है, क्या आगे का मोटिव है, वो अभी तक 100% क्लियर नहीं हुआ है। तो अभी कुछ भी कहना जो है वो पूरी तरह से ठीक नहीं होगा। सर आजकल ये डाटा का हिसाब से वेस्ट यांग जो है अरुणाचल प्रदेश का, सर, नंबर 3 में आ रहा है, बोलते हैं ये पेडलिंग, ड्रग्स पेडलिंग में। तो सर, इसमें आपका पुलिस टीम इसमें क्या, आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा कोई अभी डेटा या सर्वे NCB की तरफ से या गवर्नमेंट या पुलिस की तरफ से कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि पेडलिंग कैसे डिफाइन करेंगे उसके हिसाब से रहेगा। तो रादर देन कि हमारी रैंक क्या है क्या नहीं है, बट ये तो कंसर्न है कि यहाँ पे बहुत ही समस्या है, तो उसके ऊपर हम लोग काम तो कर ही रहे हैं। उसमें हमने लास्ट कुछ महीने पहले भी हमने कम्बा के अंदर भी एक पेडलर पकड़ा था, उसके अंदर भी ऑपरेशन किया था। उसके पहले भी एक ऑपरेशन हुआ था जिसके अंदर यहाँ पे एक स्कूल टीचर था, उसको भी अरेस्ट किया था, काफ़ी मात्रा में सीज भी हुआ था। तो ये कार्रवाई चल रही है और इसके अंदर हम लोगों की पब्लिक से भी यही अपील है, स्पेशली पेरेंट्स से, कि अपने बच्चों के ऊपर पूरा सुपरविजन रखें। पेरेंटल कंट्रोल इज़ द फर्स्ट थिंग विच कैन अवॉइड दिस क्राइम, क्योंकि आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा पेरेंट्स को कि बच्चे कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, एबनॉर्मल कुछ बिहेव कर रहे हैं या पैसा ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, किसकी संगति में हैं, तो वो सब कीजिए। उसके अलावा कुछ जानकारी भी हम लोगों को भी शेयर कीजिए। तो जैसे भी हम लोग, जैसे एक बहुत ही एक वेल मीनिंग पब्लिक सिटीजन की तरफ से हम लोगों को ये एक इन्फॉर्मेशन दी गई थी और काफ़ी समय से वो OC के टच में भी था हमारा जो वो सोर्स था, और उन्होंने हम लोगों को हेल्प किया है और आगे भी हम पब्लिक से यही अपेक्षा करेंगे कि हमें हेल्प कीजिए, हम डेफिनेटली एक्शन लेंगे। और सबसे अच्छी पॉजिटिव चीज़ है इसके अंदर आलो की सारा पब्लिक, जो पब्लिक लीडर्स हैं और स्पेशली हमारे 3 ऑनरेबल MLAs जो हैं, वो भी बिल्कुल इसके अगेंस्ट हैं और उनका भी पूरा सपोर्ट है और वो भी इस चीज़ को चाहते हैं कि ये जो मैनेस है ये वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट से ख़त्म होना चाहिए। जी सर, लास्टली फाइनली
सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सर, पब्लिक का सभी का ये कहना, एक नंबर जो पुलिस का 100 को छोड़ के एक 24x7 वाला एक नंबर स्पेशली ड्रग्स के लिए, जो इन्फो जो अगर कवर मिलेगा कवर दे सकने के लिए, एक नंबर जारी करने से पब्लिक के लिए ठीक रहेगा। जी ये बहुत ही अच्छा सुझाव है पब्लिक की तरफ से, और इसके अंदर हम लोगों ने जैसे 112 अभी कुछ टाइम एक्टिवेट तो हो ही जाएगा ERSS का जो नंबर है, उसके अलावा डेफिनेटली मैं इसके ऊपर सोचूंगा और इसके अंदर हम जरूरी कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे, जो पब्लिक की डिमांड है तो डेफिनेटली वी विल लुक इनटू इट। और दूसरा एक और मेरा ये एक मिसकंसेप्शन है लोगों के अंदर और एक कुछ ये धारणा भी है, उसको भी मैं क्लियर करना चाहूँगा। जो लोग भी हम लोगों को सूचना देते हैं किसी भी ड्रग्स की, नंबर वन तो उनका नाम बिल्कुल 101% गोपनीय रखा जाता है, पूरा सीक्रेट रखा जाता है, कहीं भी डिस्क्लोज नहीं होता। नंबर टू कोर्ट में भी उनको नहीं जाना पड़ता, दे आर नॉट लिस्टेड एज विटनेस। हम लोग सिर्फ ये कहते हैं कि हमारे इन्फॉर्मर ने हमें बताया है, उनका नाम उनका कोई प्रकार की आइडेंटिटी कहीं भी रिवील होती नहीं है, कोर्ट में भी उनको जाना पड़ता नहीं है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं उनको हम लोग अच्छा रिवॉर्ड भी देते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू नरुम मोपी नागाम गालो गुमी दम गो गालो बही रिपोर्टिंग अभी दू अंदु जब तक गेवल भाई SP सार गाग मम ने लकिलो ये ड्रग्स पुगला ओक ड्रग्स पेडलिंग इन गद अगुम लोग आसाम बोलोग नि वाकप डिस्ट्रिक्ट लोग नि इतो अंदु SP सार गाग मम तक गेवल भाई माज बे मुदग न मागोंगो इजा SP सार से नाम ने मेंज गेवा गो गालो में एक इन्वॉल्व दू ये पोल पुम पुपी एक साल तक वही माज बे गालो गद इन्वॉल्व दू ड्रग्स होगो पुंग नाम लो ओक ड्रग्स तु नाम लो आई मीन मानव गद्दम सिंह नरुअ रिक्वेस्ट आउम दे केयर तो का ओक रिलेटिव से इन आउम आमराम ओम यूथ माव हेन नंगो का एम SP ने कोबर तो का आलो पुलिस ने कोबर तो का ओक नंबर गो मोजा मेन तबा म जिबा ब जे ओ सेंग ओ ड्रग्स दोन नाम ड्रग्स पुंग नाम ड्रग्स तु नाम गागी ओम ने कोबर तो का अमला ओक SP सर सिन मेंगे बा ये दे कोबर दो ना एम ने नुना मामने मेन जमाए ओक नुना मे विटनेस बसिन मोमाए मुनु कोर्ट लो सिन नंगो मे नुन पुलिस मेन जुरु तो का मुन नरुअ मिली हिदला ड्रग्स एंड कोतम लोग लाजुका पुलिस पेद्दा ओक एडमिनिस्ट्रेशन पेद्दा एडमिनिस्ट्रेटिव पेद्दा इलामाए मुन नरुअ मुई दो ला ड्रग्स एंड कोतम लास्का काजु नरुअ लेकिन गो मुला जुका। थैंक यू।